सो हाय दोस्तों, मैं हूँ आपका इसके और आज हम बात करेंगे फर्टिलाइज़र के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली ये वीडियो है स्पेशली फॉर क्रिप्को एंड सम टाइम एनएफएल में भी पूछ सकते हो। ओके, तो एनएफएल में कुछ कुछ क्वेश्चन है। देखो, मैं दोनों को मिक्सअप करके बनाया हूँ कि फर्टिलाइज़र से, देखिए ऐसा नहीं है, बेसिक केमिस्ट्री में भी हम लोग फर्टिलाइज़र के बारे में पढ़ते हैं, तो हम कुछ ज़्यादा डीप नहीं गए कि फर्टिलाइज़र में एकदम कि भाई पीलिंग टॉबर्ट क्या है या फिर कुछ और। तो एन एफ एल इवन क्रिप्को, तो क्रिप्को के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो गए, उसके लिए मैं वीडियो से बनाया हूँ। सो फिर स्टार्ट करते। देखिए पहला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र इज रिक्वायर्ड। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र कब ज़रूरत पड़ता है? तो ये है सबसे पहले कि जब प्लांट ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ स्टीम एंड लीव्स। जब प्लांट जब ग्रोथ करता है एकदम शुरुआती के स्टेज में, देखते हैं जैसे कोई प्लांट, आप अगर आप न, अगर आप फार्मर बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, किसानी बैकग्राउंड से हैं, तो आप नोटिस किए होंगे कि जैसे कि कोई मतलब सपोज दैट मैं कोई चीज़ धान रोपा या कुछ और रोपा, जैसे शुरू में क्या होता है, धान उन रोपा जाता है बिहन के लिए, तो हम लोग उसमें यूरिया डाला जाता है, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। यूरिया क्या है? एक नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। तो उसको डालने के बाद इतना तेज़ी से ग्रो करता है ना, तो वही बोला जाता है जो प्लांट का जो शुरू में स्टेज उसका ग्रोथ करने, तो उसमें ये स्टेम है एंड लीव्स है, तो स्टेम मतलब उसका तना हो गया, उसका पत्ती, ये दोनों बढ़ाने के लिए हम लोग नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर देते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो कोई और कोई वजह नहीं है, जैसे कि अगर आप घर में भी सब्जी उगाते हैं तो शुरू में उसको बोला जाता है कि थोड़ा बहुत यूरिया दे सकते हैं। दूसरा है फास्फोटिक फर्टिलाइजर इज रिक्वायर्ड। तो फास्फोटिक फर्टिलाइजर कैसे रिक्वायर्ड होता है? तो ये क्या करता है कि टू स्टिमुलेट ईयरली ग्रोथ एंड एक्सेलरेट सीडिंग और फ्रूट फॉर्मेशन इन द लेटर स्टेज ऑफ ग्रोथ। तो देखिए पहले में शुरू में क्या हुआ, स्टीम ग्रोथ हो गया एंड लीव्स दोनों ग्रोथ हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं ताकि उसमें सीड हो, मतलब बीज जो है बीज का ग्रोथ हो और साथ साथ उसमें फ्रूट का फॉर्मेशन हो, ये बाद का स्टेज में, जब अर्ली स्टेज खत्म होता है तो लेटर स्टेज में ये होता है। ओके, तो फास्फोटिक फर्टिलाइजर का ये रोल है। फिर है पोटासिक फर्टिलाइजर। तो पोटासिक फर्टिलाइजर का क्या रोल है? तो इसका आंसर है फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टार्च ऑफ पोटैटो ग्रेन शुगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड फाइबरस मटेरियल ऑफ प्लांट। बेसिकली अगर आपसे ऐसे डायरेक्ट पूछेगा कि फाइबरस मटेरियल प्लांट के जो फाइबरस मटेरियल उसको ग्रोथ करने के लिए कौन सा फर्टिलाइजर देंगे, तो आप आराम से बता सकते हैं पोटेशियम फर्टिलाइजर है। तो ऐसा नहीं है कि आंसर जो है ना आपको यही चार ऑप्शन, चारों में से ये भी लिख सकता है कि अगर कोई शुगर है उसमें फ्रूट फॉर्म मतलब फ्रूट का शुगर है उसके चीनी उनी जो होता है उसकी बात कर रहा है, या फिर वेजिटेबल है उसमें शुगर का फॉर्मेशन होने के लिए दिया जाता है, फिर पोटैटो या ग्रेन में स्टार्च होता है उसको लिए, तो ये चीज़ ध्यान में रखा जाता है। ओके, एक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर ऑफ्टन कॉज स्वेलिंग ऑफ रूट्स एंड विटलिंग ऑफ प्लांट डिसीज बिकॉज। देखिए स्वेलिंग करने का मतलब ये हुआ कि अचानक से कोई अगर आप किसानी बैकग्राउंड से या गांव मतलब विलेज से अगर आप कंसर्न रखते हैं या फिर घर में किए होंगे तो आप थोड़ा सा नोटिस करके देखिएगा, या फिर नहीं किए हैं तो थोड़ा सा नोटिस कि आप अचानक से यूरिया खूब जितना मानते हैं कि अगर हमें जहां देना चाहिए था, मान लेते हैं कि एक सपोज दैट कि 100 ग्राम हमें देना था, एक प्लांट है उसे 100 ग्राम हमें देना था, और 100 ग्राम ना देके हम 100 मतलब 800 ग्राम में 500 ग्राम दे दिए, तो अचानक से उसके जो तना ना टेढ़ा मोढ़ा या फिर कुछ उसका स्ट्रक्चर ना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है या फिर वो जल भी जाता है इवन, तो वही बोला जाता है कि ये मतलब इसके कारण होता है। और ये क्यों होता है भाई, बोल रहा है कि हम ज़्यादा फर्टिलाइजर दे दिए तो आखिर क्यों हुआ, उसके तना में स्वेलिंग हो गया, रूट्स में थोड़ा सा टिटल हो गया, तो क्यों? वो उस समय होता है कि ओस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉइल वाटर बिकम्स हायर देन दैट ऑफ प्लांट सब। देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे ओस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले हम समझेंगे ऑस्मोसिस क्या होता है। देखिए ऑस्मोसिस बहुत ही सिंपल है कि जब कोई सॉल्वेंट है, कोई सॉल्वेंट है, अगर कोई सॉल्वेंट को लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से अगर एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास करवा के हम लोग हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर जब सॉल्यूट फ्लो होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग ओस्मोसिस। फिर से ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पर तीन चीज़ है, एक है एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और दूसरा है एक सॉल्वेंट है और एक लो कंसंट्रेशन एक हाई कंसंट्रेशन है। तब जब सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट है अगर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाता है और विद विद
मतलब एसपीएम के थ्रू, तो उसको बोलते हैं उस प्रोसेस को ओस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। तब अब ओस्मोसिस समझ में आ गया होगा, तो ओस्मोसिस तो देखिए होता क्या है कि भाई कोई भी लो कंसेंट्रेशन है, कोई हाई कंसेंट्रेशन की ओर जा रहा है, तो कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो डेवलप करेगा ना। तो रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए जो रेजिस्टेंस लगाया जाता है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो उसको बोलते हैं हम लोग ओस्मोटिक प्रेशर। कहने का मतलब ये हुआ कि जो लो कंसेंट्रेशन से जब सोलवेंट जाता है हाई कंसेंट्रेशन की ओर, तो वो बोलता है नहीं हमें पास ऑलरेडी, हम नहीं चाहते हैं, तो उस समय उसमें एक प्रेशर लगता है, तो उसको बोलते हैं ओस्मोटिक प्रेशर। तो वही होता है कि जब सॉयल और वाटर में जो ऑस्मोटिक प्रेशर वो हायर हो जाता है प्लांट का सैप से, इसके वजह से प्लांट का सैप करने मतलब प्लांट का जो सिस्टम है उससे हायर हो जाता है, तो वो एक अपना आकार जो है ना टेढ़ा मेढ़ा कर लेता है, ठीक है, वो हो नहीं पाता है, ठीक है। बेसिकली फिर फर्टिलाइजर वैल्यू ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, देखिए अगर कोई फर्टिलाइजर वैल्यू है या फिर फर्टिलाइजर को हम लोग नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर को एक्सप्रेस करना है, तो अगर जिसमें नाइट्रोजन कंटेंट रहेगा तो वो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर है, ओके। फिर वैसे ही कि पोटासिक फास्फेटिक फर्टिलाइजर है तो उसको किस टर्म में हम एक्सप्रेस करेंगे, तो उसको एक्सप्रेस करेंगे P2O5 कंटेंट में, ओके। जिसमें ज़्यादा P2O5 होगा वो ज़्यादा फास्फेटिक होगा, ओके, ना कि सिर्फ फास्फोरस रहे वो नहीं, P2O5 का कंटेंट ज़्यादा रहेगा तभी फास्फेटिक फर्टिलाइजर होगा, ओके। फिर पोटासिक फर्टिलाइजर एक ग्रेड रहती है K2O, K2O फर्टिलाइजर अगर ज़्यादा रहेगा, K2O मतलब कंपाउंड ज़्यादा रहेगा उसमें कोई भी फर्टिलाइजर में, तो उसको बोलेंगे कि पोटासिक फर्टिलाइजर है या ज़्यादा अमाउंट में, ओके। फिर देखिए NPK मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटासिक, तो ये तीनों क्या हो गया, अलग अलग कंपोनेंट है, इसको मिक्स किए हैं, तो एकदम सिंपल पता चल रहा है क्या हो गया, ये मिक्स फर्टिलाइजर हो गया, ओके। फिर है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर विथ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो ये पूछ रहा है कि एक ऐसा नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर का नाम बताया जिसमें हाईएस्ट ज़्यादा हमें नाइट्रोजन होता है, तो वो है यूरिया। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब कोई किसी का हमें एस्टीम, जैसे कि कोई कोई पेड़ है पौधा है खेती उती, अगर वो बहुत छोटा है तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, यूरिया डालते हैं। क्यों यूरिया क्यों डालते हैं, क्योंकि यूरिया में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, और नाइट्रोजन ही क्या करता है अस्टीम का ग्रोथ करता है, ठीक है, अस्टीम का ग्रोथ करता है, वो उसके पत्ती को बढ़ाता है, और हम तो शुरू में यही चाहते हैं ना कि जल्दी से तेजी हो, जल्दी से डेवलप हो, मैच्योर हो, ताकि वो फ्रूट या फिर फल जो भी है अपना वो डिलीवर कर सके, ओके। फिर बेस्ट फर्टिलाइजर फॉर पैडी, देखिए अब यहाँ पर ही पैडी मतलब धान होता है, धान की खेती जिसको बोला जाता है, कि धान के लिए जो सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर है वो है सुपर फास्फेट, ओके। लेकिन आपको जो ईयरली स्टेज में जो है ना सुपर फास्फेट नहीं डाला, देखिए आप ध्यान में रखिएगा, जैसे गांव में होंगे तो शुरू में क्या सुपर फास्फेट डाला जाता है, जैसे धान अब रोप दिए, बीहन रोप दिए, तो कभी सुपर फास्फेट डालते नहीं, सबसे पहले यूरिया ही डालते हैं। फिर जब लगता है कि अब धान तैयार होने वाला है, उसका धान अब मतलब लगने वाले हैं या ठीक है, तो उस समय हम लोग सुपर फास्फेट डालना जाता है, ओके। तो इन जैसे पारस वरस करके नहीं आता था, पारस फर्टिलाइजर या फिर पारस, वो बहुत ज़्यादा ब्रांड पॉपुलर है, ओके। इन द हैबर प्रोसेस फॉर द अमोनिया मैन्युफैक्चर ऑफ, इन द हैबर प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, तो ये है फाइनली डिवाइडेड आयरन इन इज यूज एज ए कैटलिस्ट। तो देखिए ये क्वेश्चन अभी IOCL में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है, तो ये ऐसा नहीं बोल सकती ये सिर्फ फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी का, ये दोनों जगह आपको वर्क करेगा, इवन NFL में या फिर किसी भी जगह, तो NFL और क्रिप्को में वर्क करेगा, ओके। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल NH3 सिंथेसिस कैटलिस्ट आर बेस्ड ऑन आयरन ऑक्साइड प्रोमोटेड, क्यों? अच्छा एक एक बात पता चल रहा है, ऑल NH3 सिंथेसिस कैटलिस्ट, सिंथेसिस मतलब सीन गैसेस जो बोला जाता है, कैटलिस्ट आर बेस्ड ऑन आयरन ऑक्साइड प्रोमोटेड बाय, जितना भी देखिए आपको अमोनिया बनाना है, NH3 बनाना है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है हम कैटलिस्ट के रूप में आयरन ऑक्साइड देते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको प्रमोट कौन करता है, तो वो है K2O। जब K2O 1 से 2% डाल देते हैं तो वहाँ पर प्रमोटर के काम करता है। अब सिंथेटिक अमोनिया इज प्रोड्यूस बाय रिएक्टिंग नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैसेस, रिएक्शन इज वो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके। अब एक चीज़ आपको ध्यान देखिए दीजिएगा यहाँ पर ही, सिंथेटिक अमोनिया, सिंथेटिक मतलब होता है संश्लेषित किया हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल अमोनिया भी होता होगा, ओके। तो यस होता है, नेचुरल अमोनिया हमारे शरीर में होते हैं,
और बहुत से बैक्टीरिया होते हैं जिनमें अमोनिया पाया जाता है। ओके, तो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म के दौरान जो अमोनिया होता है, नेचुरल अमोनिया, वो प्रोड्यूस होते हैं, और ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है, हमारे मेटाबॉलिज्म का, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अमोनिया का खा लेंगे। ओके, तो ये एक एक्सोथर्मिक होता है। फिर नाइट्रिक एसिड इज जनरली लाइट येलो इन कलर ड्यू टू परजन। जो नाइट्रिक एसिड होता है, HNO3 जिसको बोला जाता है, वो येलो टाइप का होता है, ठीक है, येलो टाइप का मतलब येलो कलर का होता है। वो क्यों, उसका परजेंस की वजह क्या है, वो NO2 है। तो एक चीज़ तो पता चला कि जहाँ भी NO2 रहेगा, कोई भी कंपोनेंट में रहेगा, तो उसका कलर जो है ना वो येलो ही होगा। ओके, फिर है कि 15 नंबर, रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो हम अब चाहिए नाइट्रिक एसिड मैन्युफैक्चर के लिए रॉ मटेरियल, जो कच्चा मटेरियल है, वो क्या हो सकता है, तो वो है अनहाइड्रस अमोनिया एंड एयर। अनहाइड्रस अमोनिया कहने का मतलब ये हुआ ना कि यार वो सूखा उखा नहीं, थोड़ा सा अपरूप हिंदी में बोला जाता है यार, कि अपरूपता टाइप का, ठीक है, वो टूटा मूखा इस तरह से कुछ है रहता है, ठीक है, ऐसा नहीं, या फिर लिक्विड अमोनिया नहीं, अनहाइड्रस अमोनिया रहे, उसमें स्ट्रक्चर अलग अलग सबके रहे, तो वहाँ पर ये, और एयर का यूज़ किया जाता है नाइट्रिक एसिड बनाने में। द केटलिस्ट यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय अमोनिया ऑक्सीडेशन प्रोसेस। हम बोल रहा है कि नाइट्रिक एसिड मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसमें जो केटलिस्ट यूज कर रहे हैं अमोनिया ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा, कौन सा है, तो वो है प्लैटिनम रोडियम एलॉय। ओके, ठीक है, ये जैसे हम अमोनिया ऑक्सीडेशन प्रोसेस के दौरान नाइट्रिक एसिड अगर बना रहे हैं, तो वहाँ पर केटलिस्ट यूज करेंगे प्लेटिनम रोडियम एलॉय। यार हर जगह आप एक चीज़ कभी सोचते हैं कि यार हर एक रिएक्शन में हम लोग केटलिस्ट क्यों डाल रहे हैं? केटलिस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई भी रिएक्शन होने के लिए केटलिस्ट होना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि, नहीं तो भाई हमारा जो रिएक्शन होता है एक दिन में पता चला, पता नहीं कब होगा। तो केटलिस्ट रिएक्शन को बहुत फास्ट कराता है, ठीक है, इसकी वजह से हम लोग डालना पड़ता है, और हम तो चाहते जल्दी बने, ठीक है, इसलिए तो मशीन लगाया था कि ऑटोमेटिक काम करे, अच्छे से काम करे। ओके, फिर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया इज अबाउट, देखिए 46% होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, मोरली रूप से भी, और या फिर कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा जाता है, इवन NFL में मेरे ख्याल से पूछा गया था ये बात कि यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है। ओके, प्रिंसिपल रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया, तो वो है CO2 एंड NH3। देखिए यूरिया बनाने के लिए प्रिंसिपल रॉ मटेरियल क्या है, तो है CO2 एंड NH3, ये दोनों बनाएंगे। जैसे यूरिया के लिए होता है CONH2 का हॉल टू होता है ना, तो यहाँ से बनाया जाता है। ओके, फिर ऑपरेटिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर इन यूरिया ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव जो रिएक्टर है जहाँ पर ही जिस टेम्परेचर प्रेशर पर रखा जाता है यूरिया के लिए, वो रहता है, आपका ध्यान में रखिएगा, 185 डिग्री C एंड 180 ATM प्रेशर। ओके, फॉर द गिवन NH3CO2 रेशियो टेम्परेचर यूरिया प्रोडक्शन, जैसे कि NH3CO2 रेशियो दिया हुआ है, टेम्परेचर है, एंड यूरिया प्रोडक्शन क्या होगा, तो ये आंसर ये है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाइएगा तो बढ़ेगा। ओके, देखिए ये चीज़ थोड़ा सा केमिकल इक्विलिब्रियम का जो फॉर्मूला है ना उस पर काम करता है, ठीक है, तो इसीलिए जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है N2+H2 2N3, तो जब आप निकालिएगा नंबर ऑफ मोल्स तो ये नेगेटिव में चला जाता है, तो इसलिए प्रेशर बढ़ाने के बाद ये बढ़ता है। ओके, फिर नाइट्रोलाइम, नाइट्रोलाइम क्या, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। देखिए नाइट्रोलाइम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, या फिर कैल्शियम अमोनियम साइनामाइड जिसको बोला जाता है, ठीक है, इस तरह कुछ बोला, ये एक तरह के फर्टिलाइजर है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए माइक्रो न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट तो है लेकिन बहुत छोटा आकार का है, तो वह जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट को हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में यूज करते हो। ओके, द मोस्ट रिएक्टिव एलेट्रोपिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस क्या है, वो येलो फॉस्फोरस है। कि जैसे येलो का फॉस्फोरस का बहुत सा कैटेगरी है, ठीक है, मतलब बहुत सा एलेट्रॉफ है, ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो वो है येलो फॉस्फोरस। येलो फॉस्फोरस बहुत ही तेज़ी से रिएक्ट करता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। फास्फोरस वेपर कंपोजर, तो जो फास्फोरस वेपर जो बना होता है वो P4 वाला होता है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलेट्रोपिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सेफ्टी मैच।
जो सेफ्टी घर में जो माचिस यूज किया जाता है, सेफ्टी माचिस को बोला जाता है, तो उसमें कौन सा जो फास्फोरस एलेट्रॉप यूज किया जाता है, वो है रेड फास्फोरस। ओके, तो ऐसा नहीं है, ये भी थोड़ा सा रिएक्शन। सपोज दैट ये रेड फास्फोरस है, जैसे हम लोग अभी पढ़े क्या कि कौन सा फास्फोरस सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो है रेड फास्फोरस। अगर हम सेफ्टी माचिस में येलो फास्फोरस, अगर सेफ्टी माचिस में रेड फास्फोरस की जगह येलो फास्फोरस यूज कर लेने लगा शुरू कर देंगे तो क्या होगा, वो तो ऑटोमेटिक से जलना शुरू हो जाएगा यार, ऑटोमेटिक जलना शुरू हो जाएगा, तो इसीलिए उसको यूज हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग यूज करते हैं रेड फास्फोरस। ओके, जब उसको थोड़ा सा दो चीज़ में टच करवाते हैं तब रिएक्शन होता है। ओके, तो इसलिए कम थोड़ा सा रिएक्शन है। फिर केमिकली बोन एस इज मेनली कैल्शियम फास्फेट। देखिए, जो हमारे शरीर में जैसे कोई आदमी जब सब कुछ हो जाता है क्रियाक्रम, तो उसके बाद जो बोन बचता है तो उसमें जो होता है एस, तो उसको कैल्शियम फास्फेट बोला जाता है। तो जैसे मैं जब था जब 8th क्लास में, तो सर बताते थे कि रीति ये कहता था कि बहुत से जब हड्डियाँ नदियों में डाला जाती थी, तो नदियों में डालने का एक यही पर्पस होता था कि उसमें कैल्शियम फास्फेट रहता था। और कैल्शियम फास्फेट क्या करता है, कैल्शियम फास्फेट को अगर हम नदी में डाल देंगे तो वो ऑटोमेटिक पानी के साथ मिक्स हो जाएगा, और मिक्स होने के बाद वही पानी खेत में जाता था। खेत में जाने से क्या होता था, देखिए मतलब पहले के ज़माने की बात है, क्योंकि पहले फर्टिलाइजर उस तरह से हुआ नहीं करते थे, तो वो लोग उसमें डालते थे और उसको डालने के बाद खेत में पानी जाता था, तो वो एक तरह से उपजाऊ के काम करता था। ओके, तो कोई और रीज़न नहीं है, एक ये रीज़न बहुत ऐसे बताया जाता था तो मैं आपको बता दिया। ओके, येलो फास्फोरस इज ट्रांसपोर्टेड, देखिए मैं यही चीज़ बात कर रहा था ना, येलो फास्फोरस क्या है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, हम लोग माचिस के रूप, सेफ्टी माचिस के रूप में हम लोग यूज करते हैं रेड फास्फोरस। येलो फास्फोरस इतना रिएक्टिव है कि इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है वाटर के अंदर रख के, सोचें। फिर एक केमिकल फॉर्मूला ऑफ ऑर्थो फास्फोरिक एसिड, तो देखिए H3PO4, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इवन इंजीनियरिंग एंट्रेंस का एग्जाम होता है ना उसमें पूछा जाता है, तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ ऑर्थो फास्फोरिक एसिड इज H3PO4। फिर है केमिकल फॉर्मूला ऑफ पायरो फास्फोरिक एसिड, देखिए ये तीनों एक साथ ही मतलब बाय चांस एक दिया तो दूसरा का दे के कन्फ्यूज कर देता था, ठीक है, तो मैं इसीलिए तीनों डाल दिया हूँ कि पायरो फास्फोरिक रहेगा तो H4P2O7 रहेगा। ओके, केमिकल एक चीज़ ऐसे भी ध्यान रखिएगा, मेटा मतलब सिंगल हाइड्रोजन होता है, पायरो मतलब ढेर सा रहेगा, ऑर्थो मतलब भी तीन गो रहेगा। ओके, तो जैसे एक चीज़ ध्यान रहेगा, मेटा मतलब सिंगल ही होता है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ मेटा फास्फोरिक एसिड HPO3, पायरो फास्फोरिक एसिड, पायरो मतलब होता है कि ऐसे तो पायरो का मीनिंग कुछ और होता है, ब्रेक व्रेक करने का मतलब होता है, तो कौन सा ब्रेक हो सकता है, ब्रेक कौन होगा, यही तो ब्रेक जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा रहेगा वही तो ब्रेक होगा ना, तो ये ध्यान रखिएगा, ब्रेक मतलब जब हीट देते हैं तो ब्रेक हो सकता है, तो कौन हो सकता है हाइड्रोजन HPO3, अरे ये तो सिंगल वाला हो, ये क्या ब्रेक होगा, ब्रेक तो ये होगा ना जो पायरोफास्फोरिक एसिड है, तो यहाँ ध्यान में ऐसे याद रख सकते हैं आप, और ऑर्थो मतलब तीनों याद रख सकते हैं। ओके, फिर है सुपर फास्फेट इज मेड बाय रिएक्टिंग फास्फेट रॉक विथ, तो है डाइल्यूक सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए जो सुपर फास्फेट जैसे यूज करते हैं ना पैडी करने के लिए, उसमें यूज करते हैं हम लोग धान की खेती में, तो फास्फेट रॉक आता है और उसमें डाइल्यूक सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं तब सुपर फास्फेट बनता है। ओके, अब आते हैं 32 में, ट्रिपल सुपर फास्फेट इज मेड बाय रिएक्टिंग फास्फेट रॉक विथ ऑर्थो फास्फोरिक एसिड। देखिए एक TSP के नाम से सुनोगे ना, TSP कभी कभी खेतों में डाला जाता है, तो ट्रिपल सुपर फास्फेट कब बना जाता है, जो फास्फेट रॉक को हम ऑर्थो फास्फोरिक एसिड के साथ अगर हम मिक्स करेंगे तो ट्रिपल फास्फोरिक, यार देखो हम लोग अभी पढ़ें ध्यान रखिए, देखिए याद करने का बहुत सिंपल तरीका, ऑर्थो फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या था, H3PO3 ना, हाँ H3PO4, वही गलती मैं बोल रहा था, 32 में देखिएगा, ऑर्थो फास्फोरिक का फॉर्मूला था H3PO4, ठीक है, तब यहाँ पर ऑर्थो फास्फोरिक के तो याद रहेगा H3PO4, जब इसमें तीन रहेगा, ऑर्थो में तीन है तो यहाँ भी तीन बनेगा, ये ध्यान में रखें कि ट्रिपल सुपर फास्फेट, तो ट्रिपल बनने के लिए तीन गो हाइड्रोजन चाहिए, और तीन गो हाइड्रोजन किस में है, तो वो है आपका ऑर्थो फास्फोरिक एसिड में H3PO4, तो तीन गो से तीन गो बराबर कर दीजिएगा। ओके,
फिर है कैटलिस्ट यूज इन द स्टीम नैप्ता रिफॉर्मिंग प्रोसेस, तो ये है आपका निकेल ऑक्साइड ऑन एल्यूमिना सपोर्ट विथ MgO और Cr2O3 एज ए प्रोमोटर। तो जैसे रिफॉर्मर होते हैं जहाँ से, जैसे कि हाइड्रोजन यूनिट में जो रिफाइनरी में बेसिकली रहते हैं, तो वहाँ पर ही निकेल ऑक्साइड का यूज किया जाता है और एल्यूमिना सपोर्ट में रहता है, ठीक है। तो वो और MgO और Cr2O3 प्रोमोटर का काम करता है आपके। मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर अमोनिया सिंथेसिस गैस फ्रॉम नेचुरल गैस। देखिए ये बोल रहा है कि अमोनिया सिंथेसिस गैस, नेचुरल गैस से हमें बनाना अमोनिया सिंथेसिस गैस, तो वो बनाया जाता है स्टीम रिफॉर्मिंग के थ्रू। अब है सोडियम ट्रिपल फास्फेट, सोडियम ट्रिपल पॉलीफास्फेट STPP, ये एस्केल टेस्ट वाला नहीं समझिएगा, सोडियम ट्राई पॉलीफास्फेट, तो इसको यूज किया जाता है डिटर्जेंट के रूप में हम लोग यूज करते हैं, ओके। अब है ट्राई ब्यूटाइल फास्फेट इज यूज, तो ये एक्सट्रैक्शन ऑफ, इसको यूज किया जाता है ट्राई ब्यूटाइल फास्फेट के यूज किए जाते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ यूरेनियम प्लूटोनियम एंड थोरियम नाइट्रेट, तो ये सब जो कंपोनेंट होते हैं इस सबको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो वो ट्राई ब्यूटाइल फास्फेट, ओके। तो आई होप ये चीज़ आपको कुछ हेल्प मिला होगा। सो फिर हम